बार बार रहा नहीं पिक्चर के फोटो देख रहा। अरे एड़े कितनी भयान खबर छपे लेते को मालूम है क्या क्या है मालूम? चार पुलिस वालों ने एक गुंडे को गोली मार के मार डाले मालूम। और चारों वो गुंडे के मरने के बाद उसकी लाश के पास बैठ के रो रहे थे मालूम। रो रहे थे क्यों? अरे एड़े वो जो गुंडा था ना वो चारों पुलिस वालों का घर चलाता था वो मालूम, इससे रो रहे थे वो। क्या दे सपया? ए सपया? अरे ए बैदे इधर तो आ। कहा जा रहा था? दवा खाने में। तो दवा खाने में जा रहा तो क्या गड्ढा तो मैं दवा खाना खुल गया क्या? क्या बताऊ रे तेकू भाई मैं, ये कौन है ऐसी बैठा वो बटा 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 क्या दे? कल की बात है। अरे क्या बता रहा देखू, एक गाड़ी वाले से मैंने पूछा कि अंगूर क्या पाव है रे, फट कनी से मारा मेरे कान के नीचे। और कहने लगा मालूम, बोले एड़े देखो तरबूज अंगूर दिखने लगे, आंखें पर चश्मा लगा। बोले मैं जा रहा डॉक्टर के पास, देखो डॉक्टर ने बोला तेको चश्मा लगा है चश्मा। मैं गया था मेरे बाबा के पास तो मेरे साथ में 12 बातें करने लगे वो। अब देखो डॉक्टर क्या बोलता, कितना खर्चा बताता, कितने नंबर का चश्मा दे देता। जरा इलारा हाँ बोल। एक तो साला मैंने लोगों से बीमारी छुपा के रखा। हाँ फिर कल क्या हुआ मालूम? नहीं कल मेरे खालू आए। हाँ आए। हाँ खाना खा रहे थे। हाँ तो मैंने रिकाब मुझे पाव डाल के चले गया। तो मेरे बाप फिर एक तो खंबे नहीं दिखते तो मेरे को रिकाब क्या दिखेंगी। मेरे बाप उन्होंने मेरे को इतना 12 बातें सुनाए और खाए भी नहीं वैसे चले गए। तो 12 बातें नहीं सुनाने होना था, 12 बुक्के मारने होना था तेको मालूम है क्या? एड़े एड़े काम कर रहा। अबे नहीं दिखता तो क्या करूँ मैं? अब जा रहा मैं डॉक्टर के पास, जो भी करेगा सला डॉक्टर ही करेंगे आप। अरे एड़े भाई डीदार डॉक्टर करेगा बोले एड़े भदी जवानी में चश्मे लगा था आए? अरे बुढ़ापे में तो गोबर चूड़ेगा तू एड़े फालतू बात कर रहा वहाँ पे। अरे डॉक्टरों का हिसाब तेको मालूम नहीं है, एक एक गली में 10-10 है 10-10 मालूम है क्या? हाँ ऐसा बैठे थे ताक में क्या कम मदी जाए और हम झपाटा मारे सेहत के जैसा मालूम। बेटा करोड़ों रुपये का इलाज है करोड़ों मालूम है क्या? फ्री में बता रहा तेको समझा? ऐसा तेरे पास इलाज है? फिर क्या इलाज है? इड़े 2 बादाम ले अच्छे बड़े। कितने बड़े? ले ले मेरे जितने। एड़े बादाम देखा नहीं क्या था कभी? अरे बादाम तो मैंने बहुत खाया, गंज खाया मैंने वाला, बहुत बादाम है मेरे घर पे। दिन रात बादाम के गोदाम में रहता क्या तू? ज्यादा झूठ कम बोलिया करना, फुटके निकलता ना हाँ झूठे बात करता वहाँ पे। और ज्यादा बीच में मुंह कम डाल, और ये जो है ना तेरी जबान की जो नोक है ना ज्यादा काट ले उसको, बीच में मुंह कम डालेगा तू। जान रे भाई तू तो इलाज नहीं बता रहा, लड़ाई कर रहा रिश्ता। अरे तो तू बीच में टुपके छोड़ा ना था कुछ भी देख हाँ? फिर बोल रहा बीच में एड़े सुन 2 बादाम ले अच्छे बड़े हाँ, है ना हाँ, उसको मजे का पत्थर पे घस हाँ, हाँ, और घसने के बाद ऐसा मजे का आंखी में पेन दोनों आंखें में आए हाँ, हाँ, और फिर देख एड़े 2 दिन में है ना। अरे तेकू खंबे तो क्या बेटा दीवार के पीछे का तेकू दिखने लग जाएगा मालूम है क्या? जा 2 बादाम ले और लगा देख तेकू टावर तो रिजल्ट समझ में आ जाएगा तेरे मालूम है क्या? जा लगा बादाम जा दुकान पे से ले हाँ जा जल्दी जा हाँ बिंदास जा रहा है हाँ जा समझा गया संभाल के जा रिक्शा मोटर देख के जा। एक आदमी ने चेन दिया ना तो कौन देखो चुनते फिरेगा फिर। क्या पुतले के जैसा खड़ा आकर इलेक्शन सिर पर आ गया? कल फार्म भरने का क्या किसी भी हालत में? और सुन अगर मैं गिरा तो ये गांव में किसको भी सुख से रहने देने का मैं आया क्या ख्याल में? काम दबा के करने का, प्रचार भरपूर करने का क्या लग रहा? सब करूंगा मैं आया क्या ख्याल में? चीचा ओ चीचा ओ। अरे मैं कुछ बोलू क्या? बोल। अरे तुम 2 बार चुन के आए चीचा, तुमने कुछ करे नहीं, लोगों का ना निश्चित खून जड़ रहा और लोग निश्चित तुमको मारू मारू कर रहे।
तुमने चीचा एक आदि भरोसे के आदमी को खड़े करो और तुम रिमोट कंट्रोल बन जाओ। बड़े बड़े नेता करते ऐसा काम करो चीचा तुम। अरे पुरिया तेरी राय अच्छी है, मैं आज के दौर में भरोसे का आदमी मिलेगा कहाँ रे, कहाँ ढूंढू? चीचा मैं कुछ कहूँ क्या तुमको? कहना। मेरी नजर में एक आदमी है ना, वो जैना नहीं है क्या अपना? अरे क्या लाया रे उल्चू कार्या का नाम है? रोटी खाया क्या तूने? खाया ना वो चीचा। तो मेरा दिमाग मत कहो, जा आया कुछ भी। चीचा जरा ठंडे दिमाग से सोचो, वो जैना है ना थोड़ा सा जायले खाली, तुम जितना गाएंगे ना चीचा उतना ही करेगा वो, तुम्हारे आगे नहीं जाएगा वो। बात तो कुछ मेरे भी ख्याल में आ रही, ठीक है जा ले गया उसको। बाप रे बाप, क्या मामा देखेगा धोनी। अरे अपना धोनी है ना ऐसा खेलेगा ना, अरे बाप सामने वाली टीम को करा लंबा, क्या लगाया धोनी उसने। अरे पिलियर किसका है वो? जैने का पिलियर है मालूम है क्या? हाँ लाइट ऑन करो जल्दी। देखो भाई जवाब से बस टेंडे आके मारा, छह रन मारा उसने, अंधन से एडवर्टाइज आ गई है। थोड़ा मेरा बड़ा दिमाग खराब होता इससे मैंने सलाह दे दी सुनता नहीं। आउट नहीं हुआ, छह मारा साला रेडियो में खदखद में समझ में नहीं आया मेरे, छह रन मारा उसने जब भी मैं, तुमने भी कह दिया आउट आउट आउट। अच्छा वो अंपायर नहीं है तुम आंकड़ों की तरफ देखें, वो इसकी तरफ पूरी तरह से चौका खाए, विकेट कीपर ने स्टंप्स भी खेले लेकिन क्या हो ना तुमको देख के किने तालियां बजाया ना कोई उठ के खड़े हुआ तो ये हाथ क्यों हिला दे तुम ऐसा ऐसा? ये हमारी आवाम है, हमारे आवाम बढ़े ले, ये हमारे आवाम। हाँ तो बढ़ गए वो, अरे तुमने बोझा इतना डाल दिया उनके ऊपर, क्या वो खड़े रह ही नहीं सकते, बढ़ गए वो। अरे आवाम मेरे को देख रही है, देख रही मेरे को आवाम, आवाम देख दी। अरे तो आंखें है ना उनके पास, मजबूरी है उनकी, देखना पड़ेगा उनको। तुमको मालूम नहीं है सुबह उठते ना कटोरा भी देखते, उखड़े देखते, संडासा देखते, तुमको देखे ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, मालूम है क्या? आवाम देख दी, वाह दे वाह। अरे अरे कितने खुश है देख आवाम, आवाम कितने खुश है देख, आवाम खुश है। तेजाब मार दो उनके ऊपर, ये तुमको खुश खुशी लग रही ना, आए तेजाब मार दो उनके ऊपर। एड़े एड़े वादा कर रहे वहां पे, तुम सियासत में आए क्यों? आए जैसा क्यों आए तुम सियासत में, तुम्हारा फायदा क्या है, तुम्हारी दवा बनती क्या हो? अरे तुमको किसने मसौदा दिया कि तुम सियासत में आओ? अल्लाह मियां उसको कदवट कदवट जो भी नसीब करे, तुम आए क्यों? अरे पागल, देश की खिदमत के वास्ते पैदा हुए ले हम। पैदा हुए? अरे सबसे बड़ा मसला तो यही है कि तुम क्यों पैदा हुए? हाँ और क्या हो तुम पैदा हुए क्या, किसने सियासत करा हो? हाँ लंबा चल रहा है, पार्टी देना मत बोल देना तुमको। देखो हाँ मैं घर को ले जाके देखो, अच्छा मजे का देख लूंगा। अरे चलो देख लूंगा, जाओ टांगा बड़ा करके चलो। हाँ नहीं तो क्या क्या रे, कितने दम हुए थे? जीत गए हो? जीत गए क्या? अरे वाह, ओ दिमाग खराब कर दिए मेरा एक तो उन्होंने, क्या भेज हो गया पूरा। क्या दे सपया बेटा, भूल गया क्या? हाँ इलाज बताया था मैंने, है ना, लाखों रुपये का बेटा फ्री में मैंने तेरे को बताया था इलाज। हाँ एहसान रखा करो ना बेटा, किसका? हाँ भूल गया मेरे को, अच्छा हो गया तो है ना। कौन जाहिलिया? मेरी चांद का दुश्मन? अरे मुझे चरासी भी अगर दिखता ना। अरे तो क्या हो गया, इतने दांत क्यों पिसवा, इतना फिसका था क्यों दे? हाँ क्या हुआ दे? क्या हुआ? अरे क्या नहीं हुआ ये पूछ, 3 दिन में मेरे आंखिया का इल्ला वाट हो गया, दीवार के पीछे का दिखने का तो दूर, मुझे कुआ कटोरा दिखने लगा। सपिया फिकर मत कर रहा है, इसका भी इलाज है मेरे पास मालूम। नहीं रे बाप, मैं तेरे पाँव पड़ता जैलिया, तेरा इलाज तेरे पास ही रख, तेरा दुआर इलाज, तेरा कभी अच्छा नहीं होगा रे जैलिया, तेरा कभी भला भी नहीं होगा। अरे
एड़े बात मत कर, समझा ना। और बेटा कौवे के ना कोसने से ना बेटा किसका ढोस नहीं मरता मालूम है क्या? हाँ साला भलाई का तो साला जमाना ही नहीं था। वाह दे वाह, जा बता किसको भी कुछ भी करते थे आंखें का जा रहा मैं। अरे जैनिया, अरे कब से ढूंढ रहा तेरे को? अरे तू भी बलता भारी, अरे दो पांव सारा गांव भाई को ढूंढ रहा है मेरे को। आए मैं तेरा कदरदार है। आए काम की बात कर, काम की फालतू बात करना मत। मैं तो साथ बोल देता हाँ तेरे को। चल बैठ, तेरे को साहब बुला रहे। चल वालेकुम सलाम। देख भाई, ये पूरे ने तेरी बहुत तारीफ करा। हाँ वैसे मैं भी पहचानता। हाँ गलती जमा करने में बड़ा पक्का है तू। हाँ अब इससे मैंने सोचा ना कि इलेक्शन में तू खड़े हो जा। अरे नहीं हो, वो तो मैंने गुस्से गदमी में बोल दिया। ऐसा थोड़ी मैं नहीं खड़े हुआ इलेक्शन में। अरे बाप रे बाप, और तुम जो बोलते ना इलेक्शन में खड़े हो जा, हाँ कौन थे जन्म का बदला काट रहे तुमने से? मैंने कौन था तुम्हारा बुरा कर दिया? हाँ इलेक्शन में खड़े हो जा बोले, ऐसा नहीं खड़े होते इलेक्शन में, गड्ढे लगते गड्ढे मालूम है क्या, जब आता आदमी चुन के। अरे जैना खड़े हो जा तू, तेरे आगे कार, पीछे कार, आजू कार, बाजू कार, कारी कार। हाँ मैं पाव पाव धोऊंगा है ना ईड़े, मेरा रहता खत भी बेच डालू कहते मैं बदला ले रहा वहां पे। मैं नहीं खड़े हुआ, पैसे लगते पैसे, बोलने को क्या लग रहा, खड़े हो जाए इलेक्शन में। वाह दे वाह। अरे जैनिया तू इलेक्शन में खड़े हो और खाली झूठ बोल। क्या खाली झूठ बोल? तू कामयाब है, तेरे अंदर एक लीडर छुपा हुआ है, तुझे नहीं मालूम तू क्या चीज है? मेरे को मालूम नहीं है, बंदर का बच्चा नहीं है मैं, इंसान है वो, मैं ऐना देखता मालूम है क्या तुमको? हाँ और भाई बात झूठ बोलने की, झूठ बोलने का ना खाली झूठ बोलने का ना। अरे भी तो ऐसा बोलूंगा मैं झूठ, मैं कौन था मस्जिद का इमाम है? झूठ बोलने का है ना, झूठ बोलने से आ जाते ना चुन के, बस तुम देखो फिर। अरे मजमा लगाने में तो बहुत पायलट है। मदादी दिख रहा देखू मैं, मदादी दिख रहा देखू मैं क्या रे? अभी बेटा डुगडुगी बजा के तेको रस्सी पे चलूंगा ना, जब तेरी समझ में नहीं। हाँ सांबा के नवाज से जरा समझाओ तुम्हें, इसको फालतू बात कर रही है। बारा बात मत कर, काम शुरू कर काम। चुन के आएगा तू, पैसे लगाऊंगा मैं, जो घटेगा बढ़ेगा तू भी लगा देना, तेरा भी थोड़ा बहुत होना ना उसमें, मैं तो लगाऊंगा ही। ठीक है तुम बोल दे तो खड़े हो जाऊंगा मैं इलेक्शन में, कोई बात नहीं है, मगर एक बात ख्याल रखना तुम्हें। हाँ बोल देता मैं तुमको, ये भी है सांबा का नवासा भी मेरे सामने है, मैं एकदम सामने सामने बात कर रहा। अगर तुमने मेरे को आधे अधूरे में से जबा से भी छोड़ के भागे ना, तो आखिरी बार बाल बच्चों से मिल लेना तुमने, क्योंकि तुम्हारा पानी गर्म हो जाएगा, समझ लेना। फिर देख ले भाई जैन, हाँ इलेक्शन को एक महीना है। हाँ है क्या? हाँ है ना। अब ये एक महीने में हाँ तेको यहाँ से तैयारी करना है। कैसे तैयारी? कई झगड़ा हुआ हाँ तुम्हारे जाने का, हाँ और कौन सा ग्रुप बड़ा है हाँ उसकी हिमायत करने की। ऐसा? हाँ। दूसरा हाँ एक टेम रोटी खाना छोड़ देने का। हाँ लेकिन मैयत में हिंदू हो के मुसलमान किसकी भी मैयत हो, हाँ रोटी को बाजू में रख के खांदा झट देने का और मैयत में आगे आगे रहने का। सा? हाँ वो होगा मैं भी। दूसरा हाँ कोई बीमार है हाँ उसके घर को जाने का, हाँ उसकी तीमारदारी करने का, सिर हाँ। भी दुखा हाँ तो उसको सरकारी दवा खाने में ले जाने का। ऐसा? हाँ हाँ फिर आऊ। और जाते वक्त एक ख्याल रखना, अखबार वालों को बोल के जाने का। अरे बाप अखबार वालों के आए तो मलिक मर गया तो।
अरे मरे लेके जाने का ना, अपने को काम बताने का। और दवा खाने में गए हाँ। उसको बोलना ये कर रहे, उसको बोलना वो कर रहे, पब्लिक में हमेशा रहने का। वाह समझ गया मैं, सादा समझ गया मैं, मालूम है क्या सादा मेरे दिमाग में आ गया। तुम बस चलो और मेरा फार्म भरो और मैं खड़े होता। और तू सुन रहे, जैसा काम इनका करे लेना, तूने दो बार हराया इनको, अगर तुम्हें एक बार भी हराना तो बेटा समझ लेना फिर। चलो मेरा फार्म भरो, चलो पक्का पक्का। अफजल दादा है क्या? अरे क्या हो? कौन है रे? क्या है रे? क्या है? हाँ क्या है? देखो लगता कि नहीं मैं लीडर? हाँ तो? अरे तो इतना हैदर से मत देखो। मैं ये कहता कि मैंने ना फार्म भर दिया इलेक्शन का, अगर मैं चुन के आ गया ना तो फिर तो पैसे ही पैसे ना। अरे बाप तुम्हारे पैसे फूलों में रख के दे दूंगा, फूलों में अन बढ़ा के दूंगा। मैं तुमको फिक्र मत करना, खाली मेरे को चुन के आन दो और मेरे को पैसे दो तुम अभी फिलहाल। पैसे तो मैं दे रहा हाँ। तू जीत जा हार जा क्या मर जा, पैसे तो देना भाई, और रात को आ और लेकर जा। अरे तुम्हारे ऊपर भरोसा था मेरे को, मैं रात को आऊंगा, रात को ठीक 8 बजे आऊंगा, अकेला आऊंगा एकदम गुपचुप से, मेरे साथ कोई भी दया तो किसके सामने पैसे मत देना है, बोल देना मैं तुमको। मैं जा रहा 8 बजे आऊंगा मैं। अरे क्या भाई कैसे क्या आना होगा? अरे तुम के हाथ पे हाथ रख के बड़े भाई। क्या वो जैन ने फार्म भर दिया ना, तुम क्या कर रहे? अरे आजकल का पोरे आए हो। अरे हलवा है मेरे सामने, गट्ट करके निकल जाऊंगा उसको, समझेंगे तो। अरे एड़ो होन, मैं मरा नहीं, मैं जिंदा है, जब तक सूरज चांद आएगा ऐसे नारे लगाते क्या? अरे अच्छे नारे लगाओ अच्छे। मेरे खाला की हड्डियां, जय जय बाजी की हड्डियां, जय जय मेरी बहन की हड्डियां, जय जय रेंको मेरी अम्मा की हड्डियां, जय जय मेरी बाजी की हड्डियां, जय जय रेंको रेंको जय 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 मेरी खाला की हड्डियां, जय जय बाजी की हड्डियां, जय जय रुको एड़े हो गए कहते। अरे खाली बाया बाया के ओट डाल दे, आदमियों को दफना दिए कहते। अरे भैया की हड्डियां, जय जय बे। अरे भैया की हड्डियां, जय जय बे। अरे पप्पा की हड्डियां, जय जय बे। अरे चाचा की हड्डियां, जय जय बे। अरे मामू की हड्डियां, जय जय बे। अरे अप्पा की हड्डियां, जय जय बे। आएगा भैया आएगा, जय जय आएगा। आएगा भैया आएगा, जय जय आएगा। आएगा भैया आएगा, जय जय आएगा। अरे क्या खालू, ओ खालू, अरे सो गए क्या? उठो तो सही। अरे कहाँ सोया? अरे नींद तो आप कबर में आएंगी। क्या रे बेटा जैना? हाँ। अरे कहाँ आना होगा तेरा? बैठ भाई। अरे अपने यहाँ पे इलेक्शन हो देना आए? तो तुम्हारे जैसे लोगों ने ना मेरे को बोले जैने आप फार्म भर दे तू, तो मैंने भर दिया फार्म। अब मेरा ख्याल रखना है, मेरे को वोट देना तुमको बोल देता मैं। हाँ अरे भाई मैंने कहा बोला तेरे को बाबा। अरे तुम मेरे बददिमाग खालू, मैंने खाली तुम्हारे जैसे लोग कया, तुम्हारा नाम नहीं लिया मैंने आए, मेरा ख्याल रखना। अरे रे रे रे, अरे पूरे बात कर रहे थे आए? चीजा को वोट देने का कह फिर? अरे मन का भाई, अरे बुढ़ा होगा उसको कहा वोट दे रहे तुम? हाँ, हाँ। अरे बीमार तो पड़े रहता हो,
हाँ फीत गया, फीत गया। तीन साल तो उतर चढ़ में परेशान हो जाएगा, हाँ अनेक साल बीमारी में लग जाएगा उसको। हाँ फीत? फिर हम काम कैसे क्या करेंगे वो? अरे मन गया भाई, पूरे जैने को तो जवान पूरे है, हाँ भागदौड़ करेगा। फीत गया? हाँ, गांव का भी काम करेगा और अपना भी काम करेगा। हाँ फीत करूंगा ना। अरे मगर ये तबीयत सुधरने दे रही ना भाई। क्या होगा? अरे बाप रे, क्या हुआ तुमको? अरे डॉक्टर ने चिट्ठी लिख के दिया, हाँ पोरू को कह रहा है मन के लादो रे भाई, हाँ तो सुनने को तैयार नहीं है। अरे खालू फिकर मत करो तुम, मैं है ना अभी मर गया क्या, मैं लाओ मैं ला देता तुम्हारी दवा। अरे 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 ले दे। अरे ये तो टॉनिक की है। अरे गोले भी होंगे ना उसके अंदर, क्या बात है गोले हो, मंगा देता ना, मैं फिकर मत करो तुम। इधर आ रे पोरिया, ओ पोरिया, अरे इधर आओ रे पोरो फोन। अरे 5 साल में एक बार वो बता दे रहे, ये एक बार दहिए में आते ये। अरे 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 कभी सटक गया ना ये, हैं तो रह जाएंगे सब ऐसे। कुछ बोल दे क्या हो तुम? अरे नहीं मन के बाद पोरे कहाँ सटक जाते, रहते नहीं ना कोई। अरे डॉक्टरों को भी कुछ काम नहीं है, हैं गोले लिख देते। अरे कहते फल फ्रूट के साथ में खाओ। अरे ये जमाने में 3 केले लेने को जाओ तो 10 रुपए के आते, तो सेब कितने के आएंगे? अबे तुम ना फिकर मत करो खालू, मैं है ना सब मंगा लेंगे अपुन, सब मंगा लेंगे, फिकर मत करो तुम। अरे रिश्तेदारी भी इतनी है मेरी, हाँ अरे मेरा जी तो ऐसा कह रहा तेरे हस्ते तना तना भागते फिर मैं, हाँ अरे लेकिन अरे रे क्या कमर में चुक चल रही ना मेरी, अब क्या होगा? अरे रे डॉक्टर ने कहा, हाँ कहे एक्सरे निकालना पड़ेगा, कहे पेट में भी गोला होगा ना। अरे बाप, हाँ डॉक्टर गए, हाँ के बिगर एक्सरे सोनोग्राफी के तुम चल फिर नहीं सकते, उठ नहीं सकते। अरे बाप रे बाप, समझा क्या? हाँ अरे मेरे को तो बहुत भागदौड़ करने का तेरे हस्ते, हाँ देख पत्री का ऑपरेशन भी कह दिया, हाँ हैं हाँ कह दे कि आंखी में मोतिया दिख रहा क्या मेरी? हाँ दिख रहा मेरे को, हाँ हाँ वो ऑपरेशन भी कह दिया मेरे को उसने, हम तो एक तो भूल गया मैं बोल। अरे देखिए पिंडली में भी कैसा मेरे को ऐसा लग रहा, मेरे को कुछ शक दिख रहा, हाँ इसका भी ऑपरेशन करा देंगे तो अच्छा हो जाएगा मेरे हस्ते। अरे खालू तुम ना फिकर मत करो, मालूम तुमको जो हिसाब से बीमार है तुमने मेरे को बताया ना अभी, आए तो तुमको है ना डॉक्टर ऐसा खोल के तुम्हारे सारे पार्ट्स ऐसे रख देगा, साइकिल वाला कहता साइकिल खोल के रखता वैसा। अरे खालू तू खाली मेरे को चुन के लाओ, अगर मैं चुन के आगा ना तो मैं रोजनबादी के हिसाब से तुम्हारे वहां पे डॉक्टर रख दूंगा, मालूम इतना अनदाव मत। अरे अगर तुम्हारे जैसे 3-4 ओटन मिल गए ना मेरे को हॉल, तो सबसे पहले दवा खाने में मैं एडमिट हो जाऊंगा। बाधा बाधा करते जा रहा, मेरा ख्याल रखना। जा भाई, क्या होता तो हो तेरा। अरे 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 अल्लाह, अरे बाप रे बाप। क्या जी भाभी, का है तुम दिख नहीं रहे हैं? आज कैसे कहीं इधर आना हो गया, ऐसे तो बड़ा टेढ़े टेढ़े जाते थे, आज बराबर इधर का रास्ता दिखा क्या? अरे मैं है ना इलेक्शन में खड़े हुआ ना मैं, मालूम मालूम है कि नहीं तुमको? अरे बाप अभी मिला था 7 रुपया, 7 रुपया बोले क्या रे तू, बोले वोट बोलता ना भाभी, भाभी बोले वो देख बोले किसका काम कर रहे हो, वो बोले भाभी है ना सत्ता चीचा का बोले काम कर रहे हो। मैं माना ही नहीं, मैं बोला नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं बोला अपनी भाभी है वो, अपने आगे जा ही नहीं सकते वो। हाँ नहीं तो क्या, बस तुम ख्याल रखो मेरा और तुम्हारे मुंह से कह दो क्या तुम किसका काम करते तुम। अरे कैसी बात कर रहे हैं, वो बुड्ढे हो गए बड़े मियां है, अरे उनको आम बोलो तो जाम सुनते हैं, तुम्हारी बात अलग है, पर क्या करूं मैं मजबूर है ना, लोग क्या बोलेंगे, तुम्हारे भाई है ना सत्ता चीचा का काम कर रहे, और मैं कभी दूसरे तरफ जाऊंगी तो लोग बोलेंगे दूल्हा किसका काम कर रहा और औरत किसका काम कर रही। मैंने सोच ली अंदर से काम तुम्हारा ही करूंगी, बिल्ले सत्तार चीचा के लगाऊंगी और काम अंदर से तुम्हारा ही करूंगी, तुम बिल्कुल भी फिकर रहो। मैं ना क्या करती मालूम, बाया के दिमाग बनाती, मैं क्या करूंगी चावल चुनने बाया को बुलाती, मगर क्या करूं चावल कितने महंगे हैं, तुम ऐसा करो एक थैला चावल मंगा दो
मैं बाया को बुलाऊंगी, चावल चुनने के बहाने उनका दिमाग बनाऊंगी, बाया की होठ अपने हाथ से हो जाएंगी। अरे तुम फिकर मत करो, भिजा देता मैं चावल तुम्हारे वहाँ। अरे तुमसे बढ़ के थोड़ी है, मालूम क्या आन, अगर तुम्हें हार भी गया ना भाभी तो एक बार समझ लो मेरे को निकालते आते हैं। हाँ जितने चावल दूंगा ना मैं हालक में हाथ डाल के निकाल दूंगा, मैं ज्यादा भिजा दूंगा। क्या हुआ बहन, बैठी आराम से? अरे भाई तेको बठेली अच्छी नहीं लग रही होंगी तो फिर गदा गद बुक के मार मेरे को। बैठ भाई। क्या हुआ बहन, तेरे पूरे पारे नहीं दिख रहे हो? कब्रिस्तान में गए। कब्रिस्तान में गए? अरे बाप रे, साला 5 वोट का घाटा हो गया मेरा बहन। ओ भाई तू क्या समझ रहा हाँ? अरे मैयत में गए वो। किसकी मैयत में? अरे वो है ना सुखिया का ना पोरिया मर गा, उसको लेके गए ना तो वहाँ गए वो। सुखिया का पोरिया? कितने साल का था वो? अरे 10 साल का था। 10 साल का था क्या? अरे मैं समझ रहा था कि 1 वोट का फिर घाटा हो गया बहन। देख बहन ये मेरा दोस्त है भला, बहुत बड़ा पहलवान है, बहुत बड़ा, 8 लोगों को मारता एक साथ, तेरे तो 4-5 ही है वो। हम इलेक्शन में खड़े ले, यार वोट का ख्याल रखना भला क्या क्या समझी? अरे भाई मेरा बीच वाला पोरे है ना, क्या सिकरा अन क्या नहीं मालूम, क्या पूछने की बात नहीं, ऐसा जरा सा उसको किने घूर के देखा क्या घर को आता भगोना आवंदा रखता अन नींबू काटता अन क्या पड़ता अन क्या नहीं, क्या आदमी 3 दिन में तो सुख कैसा लकड़ी का काटा हो जाता, क्या पूछने की बात नहीं। इससे भी मजे की हालत थी रे भाई, उसको क्या पड़ा अन क्या नहीं, ऐसा होगा लकड़ी का काटा क्या एक एक फसली मौज ले तू। अरे बहन बहुत गन भाई है, अन बहन इसका जो बड़ा भाई है ना बहुत बड़ा गुंडा है वो, इसको इतना चाहता वो इसके बाल को किने धक्का लगाया तो सामने वाले की जान को धक्का, बाद बाद में तो झूले चाकू निकालता हूँ। अरे भाई ये करनी करता वाले से जो बड़ा है ना हाँ, वो तो इतनी कसी जान छिड़कता उसके ऊपर, उन्हें कह दिया कि दादा मेरे को पानी तो दूध ला के दे देता उसको, गुस्से का इतना तेज है कि पूछने की बात नहीं, मेरी इतनी बड़ी जमीन उसके ही पैरों सारी उलग गई ना बा, 3 बार मैंने जेल में से लेना उसको। क्यों बहन क्या करा था उसने? अरे अतड़े गिरा दिया था एक के बंद करके जमीन पे। तबीयत खराब दिख रही वो, मैं इसकी क्या रे बेटा तुआल दू क्या रे ते को? नहीं वो खाला मैं अच्छा है ना, तो क्या ना मैं वर्जिश करके आया ना अभी। अरे बहन वर्जिश करके आया हो, इससे इतना पसीना पसीना दिख रहा तेको। ऐसा क्या? हाँ बहन तेको एक बात तो मैंने बताया नहीं हो। हाँ तो कह देना भाई। इसके बीच में का एक भाई है। हाँ। समझी क्या तू? हाँ ना समझ ना, एक बार नहीं दिख रहे हो खतरे मारे क्या? अरे कह रहा मैं तेको तू सुन तो सही। हाँ तो इसके बीच का जो भाई है ना हाँ। लाठी घुमाने में माहिर है भला क्या? एक बार गाँव में क्या होगा किसी बात पे ना उनकी आपस में वो हो गई मुझे हाँ, बहन पूरे गांव ने घेर लिया ना उसको। हाँ अब पूरे गांव ने घेरा, जो इसने घुमाया लाठी हाँ, ऐसे लाठिया घुमा रहा ऐसे लाठिया घुमा रहा, अब वो बहन हम सामने गांव वाले बंदूका मार रहे खतरे मार रहे ये मार रहे वो मार रहे तो बा। ये खरोच नहीं है बहन, हम सामने वाले गांव वालों को अरे किसके हाथ टूट रहे हैं किसके पाँव टूट रहे हैं किसके सिर फूट गए बोल क्या कहेंगे तू? हाँ ऐसा तो है इसका भाई। अरे भाई ये जो दोनों से जो बड़े वाला है ना वो तो इतना कैसा चालाक है कि पूछने की बात नहीं, चार आने में आदमी मार डालता वो। कुछ भी बात कर रही हो बहन तू, चार आने में आदमी मरते है कहीं? अरे तो भाई वो क्या करता मालूम देखो? क्या करता? दुकान पे से चार आने की सुई लाता, ऐसी लाल करता एकदम अच्छी मजे की, जहर में डुबाया
और चलते चलते किस बेग में ऐसे चुबाता कि आदमी जगह पे ऐसा ठंडा गार हरा गार हो जाता। क्या पूछने की बात नहीं, क्या बताऊं भाई तेको? ओ बहन, इसका जो पीछे वाला भाई है ना, ड्राइवर वो ड्राइवर, उसको अगर किने कह दिया कि देख ये तेरे भाई का दुश्मन है, मैं दूसरे दिन तू पढ़ ले अखबार में क्या एक आदमी चेचरा हो गया। अरे भाई, ये जो मेरे तीनों पोरे से जो बड़े वाला है ना, वो तो इतना कैसा खुनसी है कि पूछ मत तू। उसको किने बता दिया कि ये तेरे भाई का दुश्मन है तो कुछ नहीं करता वो, डायरेक्ट भागते जाएगा, बिल्डिंग पे जाके खड़े रह जाता, गुपचुप से इंतजार करता कि कब आदमी जाएगा नीचे से। आदमी जैसी गुजरा कैसी फरसी उठाता ना, ऐसा छोड़ता बरोबर क्या सिर पे क्या आदमी वही टंगड़े रगड़ रगड़ के भेजा किधर अतड़े किधर, उसके क्या बताना भाई तेको। नजारा गर्गू, नजारा, नजारा गर्गू, आओ बहन, ये क्या कह जाती तूने? हाँ, तेको मालूम नहीं क्या इसका एक बड़ा भाई जो है ना पुलिस में घबरी है भला, पुलिस को कह दिया ना तो तेरा पूरे अंदर हो जाएगा भला। मेरे को जरा भी फिक्र नहीं है भाई। यो? अरे सबसे बड़े वाले का जो ससरा है ना वो जज है ना बा। जान दे वो बहन सब बात जान दे, इसकी हालत देख रही क्या तू? हाँ, देख रही क्या हालत है इसकी? हाँ। अरे भाई, मेरा जो चौथे नंबर का जो है ना उससे बड़े वाला पोरिया ऐसा दुबला पतला है, बारीक सूरी, थोड़ा सा कांचा देखता भाई, मगर अरे बाबा ना ऐसी हालत वालों से उसको इतनी कैसी चिड़े, ऐसा देखा निशाना इतना कैसा पक्का है भाई उसका कि मैं क्या बताऊ। ऐसे 10 कैरे के बीच में से ऐसा भिन्ना था फतरा कि एक ना पकेल कैरी गिराता वो। ऐसे आदमी को देखा उसने हालत वाले को, बाप 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 ऐसा खड़े रहता न उसके सिर के माप का फतरा लेता और ऐसा भिन्ना के मारता कि आदमी जगह पे औंधे मुंह गिरा, क्या खून चालू क्या होगा ठंडा। क्या होगा रे भाई, तू क्यों डंडल रहा है बेटा, इतना क्यों डंडल रही है आए? अरे बहन, डंडल लेना वो फिर गुस्से में आता तो डंडलता वो। क्या रे बेटा? बस बस बहुत हो गया, बहुत हो गया काला, मेरा तो कोई भाई भी नहीं है, मैं 5 बहन का एक कुत्ता एक भाई है, ये बुरी गप के उसके ही फायदा उठाया, ये बोला मेरे साथ तीर, मैं तुझे 2 रुपये दूंगा। नहीं रे भाई, तू तो बहुत खराब पहलवान है। नहीं वो गाला, मुझे मेरी बाबा से छुट्टी नहीं मिलती, वो गाला तेरे 5 पोरे है ना, तो मुझे चट्टा बना ले तू। कौन थे बेटे रे बेटा? आए, अरे बेटा मेरे को भी औलाद नहीं है, वो जो मेरे है ना पोरे 5-6 हो वो मेरे भाई के बेटे है, वो क्या कहूँ मैं, मेरे को भी औलाद नहीं है बेटा। हाँ वो बहन, हाँ मेरे टक्कर की निकली हो तू, एक काम कर, मैं ना फार्म वापस ले लेता बहन, तू भर ले मेरी जगह पे फार्म। वाओ, अरे तो मैं भर रही थी फारा, मालूम है क्या तेको? हाँ, अरे रिश्तेदारी में तो गंज हुए, लड़ाया हुए, झगड़े हुए, मेरे को बोले क्या बहन, जैने को बोले खड़े होने दे, मैं तो मैं खड़े हो रही थी, तेको क्या मालूम है? हाँ, जैने है ना वो जो तेरे खिलाफ में जो खड़े हुआ ना, अरे मेरी छग्गी बहन का बेटा है वो। हाँ, अगर तू चुन के आई ना तो 15 दिन में म्युनिसिपैलिटी भेज डालेंगी तू, हम सारे मेंबरों को काम पे लगा देंगे। जा रहा है? हाँ चलो चलो। अरे हाँ चलो, आजा आजा आजा, तू है खाली चाला, सब तो एड़े भाग रहे हैं ना, खतरे मारे लोगों को। शांत बना कर, वोट मांगने आ रहा। हाँ कैसा जोर जोर लौट रहा तू पहलवान? वो पहलवान क्या रे भाई? अरे मैं जैनिया इलेक्शन में खड़े हुआ, मैं तुमको मालूम है क्या, मेरे को वोट देना है। ऐसा क्या? हाँ क्या होगा पहलवान, इतना कैसा फट फटा के आधे सेक दे तुम, क्या हुआ क्या? अरे क्या बताऊँ तेको मैं, अरे बहुत दुख भरी कहानी है रे भाई। कल मैं कुश्ती को अस्ते दंगल में उतरा। हाँ। अरे एक पहलवान उधर से आया। हाँ। अरे बाप रे बाप। हाँ। लोगों ने खूब तालियां पीटे। हाँ जी, आधे बजाते लोग तालियां, पहलवान मैदान में आता ना,
तालियां बजाते दो, उसमें क्या बात होगी ऐसी। अरे अरे जब मैं उतरा ना, अरे बाप रे बाप, अरे सब भागने लग गए इधर उधर। अरे बाप रे बाप, क्यों? अरे एक पूरा ने मेरे को आके बोला, पहलवान तुम लंगोट नहीं पहने हो। अरे बाप रे बाप, ऐसी बेइज्जती होगी रे मेरी। बेइज्जती होगी ना, तुमको जवाब ही सूझनी है क्या? कैसे जाने होना मैदान में, वैसे चल गए तुम तो। अरे उसके बाद क्या हुआ मालूम क्या? देखो क्या हुआ उसके बाद। एक ऐसा पहलवान उतारे दंगल में। अरे बाप रे बाप, ऐसा पहलवान था दादा वो। अरे बाप रे बाप, उसकी मांडी। अरे बाप रे बाप, मैं सो सकता था उस पे। बाप रे फिर? अरे बाप, अरे फिर क्या, ऐसा पकड़ा मेरे को उन्हें और सारे फसले पे गिन गिन के मारा उन्हें, गिन गिन के मारा रे दादा। और फिर क्या बोला उन्हें मालूम? देखो उसे क्या लड़ना, तू तो पहले 302 का केस है, ऐसे ही बोला हूँ उसने। देखो कैसे मालूम रे भाई? अरे समझ में आ रहा, तुम्हारी हालत देख के समझ में आ रहा। पिछले महीने की बात है रे भाई। अरे कुश्ती थी दंगल में। अरे वो पहलवान उधर से उतरा, मैं इधर से उतरा। अरे उन्हें मेरे को जकड़ा, मैंने उसको पकड़ के जकड़ लिया। अरे तो फिर क्या, फिर लोगों ने गिनना चालू करे, एक दो तीन चार। अरे अरे वो तुम्हारे फसलिया गिन रहे होंगे पहलवान। पहले जान बनाओ, जान से ज्यादा काम मत करो तुम। मैं क्या बोल रहा मालूम है क्या? 15 दिन बाद है ना, मैं इलेक्शन में खड़े हुआ, मेहरबानी करके मेरा निशान है बाटली। बाटली को वोट देना है क्या? अरे मगर 15 दिन बाद मेरी जोड़ है रे भाई। अरे इतना कैसा ढीठ पहलवान है, कुत्ते जैसा पटक पटक के चल जा दे तो फिर भी है जोड़, है जोड़। मेरा ख्याल रखना है, मेहरबानी करके मैं जा रहा। ठीक है भाई, देखेंगे, कभी कुश्ती खत्म हो गई तो आ जाऊंगा वोट देने। मेरे भैयो, हाल मेरी भेला हो, सुनो मैं क्या कह रहा। अरे मेरे नाखून से लेके सिर के बाल तक सफेद हो गए ले, पर मैं अभी तक चुन के नहीं आए ले, और तुम लोगों ने मेरे को चुन के भी नहीं दिए ले। कुछ तो ख्याल करो मेरे भैया होन। हाँ, अरे वो आज का बोरिया जैनिया अभी आया हो, और मैं अपोजिशन में खड़े हो गया। जमारे भर का हुल चुका रहा पोरिया है वो, जमारे भर का लुच्चिया पोरिया है वो। हाँ, अरे कुछ तो ख्याल करो मेरे भैया होन। अभी मेरे भैया होन कल आया मेरे कने वो, और क्या कहा तुमको मालूम क्या? उसने कहा कि बोले चीचा, अगर तुम हार गए ना तो मैं तुमको अपना ससरा बना लूंगा, और अगर कभी मैं जीत गया तो तुम मेरे को जवाई बना लेना। एक नंबर का हरामी आदमी आ गऊ। अरे भैयोन, मेरे पे पूरा भरोसा रखो, मैं गांव बेच डालूंगा पर तुमको धोखा नहीं दूंगा। मेरे भैयोन, मेरे को चुन के लाओ, मैं ऐसा कर डालूंगा वैसा कर डालूंगा। तुमको याद होगा मेरे भैयोन, आज से 3 साल पहले मैंने भूख हड़ताल पे बैठा था, और मेरी मांग थी भैयोन के हिंदू मुसलमान एक ही प्लेट में खाना खाने को ना। लोगों ने बहुत समझाया मेरे को, अरे बोले ऐसा कहीं होगा क्या, हिंदू मुसलमान के साथ में बैठ के खाना खाएंगे क्या? लेकिन नहीं भैयोन, मेरी मांग थी, मैं हड़ताल पे बैठ गया 3 साल पहले। लोगों ने गन समझाया मेरे को आके, अरे भैया ऐसा नहीं होगा, हड़ताल खत्म कर दे, नहीं होगा। पर मैंने क्या कहा मालूम? अरे भूख से मैं तड़प तड़प के मर जाऊंगा, लेकिन ये काम करके जाऊंगा भैयोन। अरे ये मेरा काम होने वाला था भैयोन, तो सामने वालों ने, अपोजिशन वालों ने क्या करे मालूम? एक को हिंदू बना दिए, एक को मुसलमान बना दिए, और मेरे सामने ला के एक ही प्लेट में उनको खाना खिला दिए भैयोन, और मेरी हड़ताल खत्म करा दिए। और उसके बाद क्या करे मालूम? उसके बाद गांव में हवा घुमा दिए के बोले वो उसने हड़ताल पे जो बैठा था खूब हलक तक खाना खाता था, बोले वो ऐसी हवा उड़ाए भैयोन मेरे खिलाफ उन्होंने। क्या कहना तुमको? तो मेरे भैयोन, मैं कह रहा था हार जीत तो लगे ले। हाँ, अब वो जैनिया का क्या है, जवान लट्ठा है, हाँ कभी हारेगा कभी जीतेगा, उसकी जिंदगी पड़े ले। अरे पन भैयोन, जरा मेरे ऊपर तो ख्याल रखो। हाँ, मेरे ऊपर ख्याल रखो, मैं क्या कभी भी उखड़ जाऊंगा। भैयोन मेरे को चुन के ला दो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता भैयोन, बस इतना कह के मैं अपनी तकरीर खत्म करता। जय हिंद।
ऐसा कैसा बाटा दादा तू हाथ पे हाथ दे के। अरे उनके जलसों में तो इतनी गर्दी है। वो सत्तार दादा का जलसा है ना, निश्चय मुंडे दिख रहे। हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठा, थक थका के आके बैठा मैं, मालूम है क्या? जा घर में और दे बाप, मेरे से भी बड़े बड़े पड़े ले वहां पे, ऐसे बाता कर रहे हम, बाता में ऐसी मुद्दे की बात कर रहे पैसों की, क्या पूछ मत, पैसे सिवा तो टस से मस नहीं हो रहे हो, मालूम है क्या तेको? ये देख, ये जो बैठे ना सामने, ये क्यों आए मालूम है? सिर्फ जलसे में बैठने का बहाना था उनका, अभी आ गया दावा की, अभी चिट्ठी लेके बोले तेरे जलसे में आया बीमार पड़ गया, बोले वो देख। क्या हो जाना दादा, कुछ देते क्या चाय पानी को पैसे? सवेरे से बच्चे नंगे पाँव निहार पेट बैठे ना, सवेरे से नारा लगा रहे, जेना दादा की क्या शान, बच्चे बूढ़े सब कुर्बान, सब खुश और हम परेशान। देखा पैसे लगते, मैंने पहले ही बोला था ना गड्ढे लगते गड्ढिया, मैंने कर्जा करके लाया पैसे, मालूम है सारे खलास हो गए। ये देख आया ना ये तेरे सामने, क्या दे मेरी क्या शान, नारे लगा दे, दिया नहीं तेको पैसे मैंने, रोज आ रहा हूँ पैसे मांगने के वास्ते। अरे बिगत कट्ठे के पान, मध्य मेरे दिमाग को तान, मैं तो बेटा सीधा पहुंचा दूंगा तेरे को शमशान, चल निकल। जाना दादा सोच लिया है, वो सत्तार चीजा मेरे को दे रहे पैसे और मैं जा रहा फिर उधरी है। ए, ए, देखा तेरे सामने है ना सारा, है ना, ऐसा मौके का फायदा उठाते, देखा। अस्सलाम वालेकुम। तेरा यही नहीं पट्टा मेरे को, क्या होगा? अरे जा ओट है वहाँ नहीं जा रहा, अंजा ओट नहीं है वहीं जा रहा। वो खान साहब क्या गया था, कितनी ओट है उनके वहाँ, हार जाएगा तो बोलना मत, तेरा यही नहीं पट्टा अपने को। ए, ए, वादकार बन, मेरा बाप मत बन, समझ गया? हाँ नहीं तो क्या, क्या बोला तू? बोले वो खान साहब के वहां पे गया था क्या? चार दफे जाके आया मैं, चार दफे मालूम है क्या? हाँ नहीं तो क्या, मैं जब जा रहा पूछ रहा खान साहब है क्या, और तो पागल है क्या उनकी, मैं जब जा रहा पूछने खान साहब है क्या, भाग आ रही और मेरे हाथ में आटा दे दी, फकीर दिख रहा क्या उसको मैं? तेरे से तो बात करना ही दुश्वार है, जा रहा मैं। हाँ जा, गन मिल जाएगी मेरे को, बात कर। देखा कैसा सल्ले के जैसा रंग बदल रहे लोग, मालूम है क्या, डॉक्टर हो गया ऐसा कर रहा हो, देखा समझदार आदमी है ना, आज की मीटिंग ना आवाज लो आज आए, और सुना देखा ना सब सब तेरे सामने। अब वो चीचा को बोल पैसे का बंदोबस्त करो, बोला मेरे पास सारे खलास हो गए, मजा आ रहा मेरे को, भूख बहुत चोर में लगी है। प्यारे साथियों, इस वार्ड के उम्मीदवार जैना दादा आप लोगों के सामने तकरीर करेंगे, चले जैना दादा। मैं ते भाइयों, मैं तुम्हारे कने आया इसके वास्ते। अरे क्या है तू? ये देखो है साला, जमाना कहा जा रहा, चांद पे जा रहा जमाना, और हम इसमें ही परेशान है, तू क्या है, मैं क्या है, तू क्या है? अरे एड़ो हो, लोगों ने इतनी तरक्की कर ली है कि 12-12 टन के जहाज है ना हवा में उड़ा दे लोग, मालूम है क्या, हवा में। तो मैं ये कहता था अगर मैं तुम खाली में एक बार चुन के लाओ फिर देखो मैं क्या करता हूँ। अरे हमारे गांव में संडा सा नहीं है। अगर मैं चुन के आ गया तो फिर है ना एक घाट के सामने तीन तीन संडा सा बना हुआ, तीन तीन, तुम्हारा जी गए तो घर में दो, तुम्हारा जी गए तो भी संडा सा में दो, मालूम, तुम खाली में को चुन के दो बस फिर देखो क्या होगा। अरे ये वार्ड में है ना घर कम और संडा सा ज्यादा दिखेंगे मेरे भैया, तुम देख लेना बस। हमारे अपोजिट में जो है ना खड़ेल, हमारे सत्ता चीचा, वो मुंह से बहुत ज्यादा भोले दिखते मालूम तुमको, मगर बहुत खराब आदमी है वो। हमारे एक वर्कर को ऐसा कुत्ते जैसा मारे उन्होंने, उसका सबूत है, इधर आ दे बता, ये देखो वर्ड फटे देखो इसके। अरे बाप बहुत बुरा मारे, अंजब हम बोलने गए तो मालूम है क्या बोले वो, बोले पोटे छेड़ रहा ये जा दे। तो मेरे भैया मैं ये कहता तुमको मालूम नहीं है वो बहुत खराब आदमी है, तुम खाली मेरी बाटली को ओढ़ दो फिर देखो मैं क्या करता, जितनी तुम्हारे वार्ड की गंदगी है ना उसको भी बाटली में भरूंगा, और ये सत्ता चीजा को भी बाटली में ना भर के नाले में फेंक के नहीं आया तो मेरा नाम भी जैन है। मेरे भैया तुमको मालूम धुलिया में क्या हुआ, जलगांव में क्या हुआ, भुसावल में क्या हुआ, जामनगर में क्या हुआ, अमरनेर में क्या हुआ? क्या हुआ? अरे मेरे को खुद नहीं मालूम क्या हुआ। मेरे भैया
मैं ये कह रहा कि बस मेरी बाटली को ओढ़ दो और तुम मेरे को चुन के लाओ, फिर देखो मैं क्या करता। मैं ये कह रहा मेरे भैयों, मेरे साथ ही नारा लगा दो एक बार, ओट फोट ओट फोट ओट फोट। बस मैं इतना बोल के मेरी तकरीर खत्म करता। जय हिंद। पैसे नहीं दिया वोट नहीं दुआ एक लोग भी पैसे होना भाई, उसने पैसे नहीं दिया आप लोगों को, पैसे देना तो वोट देंगे उसे। अरे मेरे को भी कहा दिया जैना का काम भलाने का, जैना ने सबको पैसे देने का बोला, दिया नहीं। पैसे चला रातों रात, एकदम पैसे चला। जैना के सामने इज्जत नहीं जाने होना मेरी, एकदम जितने पैसे लगे उतने पैसे दो, लेकिन मेरे को चुन के लाओ। पैसे चलाओ रातों रात, पैसे चलाओ। अरे कंडीशन मेरे को सही नहीं दिखती, देखो गर्दी भी कम दिखती, ऐसा रहे तो हर जाएंगे अपन तो। चीचा का है, चीचा को बुला के लाएंगे ना। चीचा को अरे कब लाएंगे, जब हर जाएंगे, जब लाएंगे क्या सर? कंडीशन अभी देखो लोग आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, उनको बोलना पड़ेगा जरा सा मैं मोहब्बत से सदा। ओ भाई क्या लगना मेरा है, क्या काम उम करते गए तुम कुछ या हो? ओ भाई तू तो अरे उधर ही जा रहे, तो क्या बूढ़े लोग है। ओ भाई क्या लगना मेरा है, एड़े डड़े कर रहे क्या? ओ भाई ख्याल रखना मेरा है नहीं। अरे भिखारी समझ रहा क्या रे, क्या बुरा फिटका दे लोग तो ये। ओ भाई ओ भाई बाटली, ओ भाई बाटली लग रहे हो सर। देखिए ये है, ये कह दे लोग जो हिसाब से मेरे को ओ डेर जना लोग आए ऐसे थप्पे मार देते, भका भक भका भक भका भक भका भक, मालूम है क्या वो हिसाब से तो मैं चुन के आ गया मालूम। और मैं जही चुन के आऊंगा ना, पहला काम क्या करूंगा मालूम? अरे बाप ऐसी गटर बनाऊंगा, हाँ कांच की रहेंगी मालूम है क्या, इतनी ऐसी चमकेंगी गटर क्या, बस आदमी जा रहा रास्ते से आईने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गटर में देख के बाल झाड़ लेंगे मालूम है क्या आदमी। अरे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने दिया ना मेरे को बहुत बहुत शुक्रिया। क्या जी जाने भूल गए क्या, मुँह तो मीठा कराओ, तुम आ गए चुन के, मेरे को मालूम ना तुम आ गए चुन के। अरे शाबाश है, तुमने क्या मेरे को दूध पीता बच्चा समझ लिए क्या? अरे एड़ा बागड़ा दिख रहा तुमको, अरे चलते चलते टप्पू मारता लोगों को मैं, मालूम है क्या तुमको? आने तो क्या इतना इससे बोल रहे, तुम गए थे वहाँ पे चिट्ठिया मोजने के वास्ते। मैंने ना ख्वाब में देखी कि तुम्हारे पास तीन चार चिट्ठिया पड़े ले और तुम ऐसा रो रहे जोर जोर से कि पूछो मत। मैंने ना एक जानते से पूछी कि ये खाप का मतलब क्या है, तो उन्होंने क्या कहा है कि ये खाप का मतलब उल्टा है, तो ऐसा समझ लो तुम आ गए चुन के। मैं लिख के दूंगी कोरे कागज पे, लिख के दूंगी कि तुम चुन के आ गए, समझे ना। अरे बाप ज़्यादा ऐसे बात है, ज़्यादा सा कम करो ना। एक तो साला मेरे को यही सोच सोच के मेरे पूरे आग में थरका चालू हो गए थे कि साला मैं हारूंगा कि मैं जीतूंगा, हारूंगा कि मैं जीतूंगा। अगर तो कभी उल्टा सीधा कुछ हुआ ना और कभी मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो फिर समझ लेना तुम्हें, तुमको कुछ नहीं करूँ मैं, तुम्हारे दूल्हे को जाके ऐसा उसके फेंको दे मैं कुक्का मारूंगा, समझ लेना तुम। जाओ ज्यादा सा मेरे को भी आराम करन दो और तुम भी ज्यादा काम धंधा देखो जाके जाओ। मावड़ो अरे जरा सा गुच्चू बैठो, देखो अभी अनाउंसिंग होने वाली है, क्या होता तो खो रे बाप, क्या होता थे बापरे क्या बुरा कर दे कुत्ते के मुंह बोले मेरे साथ दे बाप, हंसे नहीं पैसे चार बताए मेरे को।
अरे बाप रे बाप, ऐसे पैसे भी लिए थे, वैसे खटा खट पैसे लिए कुत्ते के मुंह को ने, सारे एक का डाला दो का डाला सब भाग गया, मेरे हिस्से में चार आने आठ आने बचा के रखे। अरे मेरे बाप रे, मगर मैं भी हारूंगा नहीं, इतना हो गया ना, एक बात हार करूंगा, जा साला छप्पन वहां पे गप्पन, वो कौन है मेरा सच्चा हमदर्द जिन्हें मुझे एक और दिया, सारे गाँव में ऐलान करा दो कि जिन्हें मेरे को एक और दिया होगा ना उसको 50,000 रुपये इनाम दूंगा मैं। भैया कौन है वो मेरा सच्चा हमदर्द जिन्हें मेरे को एक वोट दिया, उन्हें कहना अन में से 50,000 रुपए अब भी लेके चले जाओ। मैंने दिया, मैंने दिया, मैंने दिया, बुधिगत कौन इतना बुरा चिल्ला रहे, मैंने दिया मैंने दिया। अरे तुम अगर मेरे को एक एक वोट दिए होते ना तो मैं चुन के आ गया होता मालूम है क्या? हाँ जो, अरे तुम पैसे के लोभी है मालूम है क्या? हाँ, अरे पैसे मत लो, पैसे लेते ना नक्टे हो जाते तुम, पैसे मत लो, वोट दो और कोई भी लीडर हो गलचंडी पकड़ के काम कराओ उससे मालूम है क्या? क्या बुरा धोखा दिए थे तुमने मेरे को? हाँ मगर मैं समझ गया अच्छाई की ना दुनिया नहीं है, तुमको मालूम नहीं है मैं कितना बुरा आदमी बनूंगा, हटे रास्ता दे चल।